नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जिले में शादियों पर रोक के बावजूद शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर शहर के साथ ग्रामीण अंचल में कई जगह शादी समारोह आयोजित हुए। शादी विवाह की सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ शहर के साथ बड़ौदा क्षेत्र का भ्रमण किया, तो उन्हें 20 से अधिक विवाह के आयोजन होते दिखे। इस पर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दूल्हा दुल्हनों के पिताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर शादी विवाह पर रोक लगा दी और जिन लोगों ने अक्षय तृतीया पर शादी करने के लिए परमिशन ली थी उसे भी निरस्त कर दिया। वहीं श्योपुर जिले के आसपास के गांव में इसके बाद भी चोरी छिपे लोग शादी विवाह जैसे आयोजन करा रहे थे। इसी क्रम में शुक्रवार को सूचना के आधार पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय के नेतृत्व में एएसपी पीएल कुर्बे, एसडीएम विनोद सिंह, तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाहा के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर के ही कमार खेडली इलाके का भ्रमण किया, तो आधा दर्जन घरों में शादी समारोह मिले और 6 दूल्हे पकड़े गए। इस पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही प्रशासन की अन्य टीमों ने विभिन्न गांवों में जाकर कार्रवाई की। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।